अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांची न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। जाली इंतकामी कार्रवाइयों से नहीं डरते, पीपल्स पार्टी कयादत का जीना मरना पाकिस्तान में है। शीरी रहमान का रद्द अमल, बोली जाली अकाउंट केस की रिपोर्ट की तैयारी के दौरान शहजाद अकबर घंटों एफआईए के दफ्तर में मौजूद रहे थे। जाली अकाउंट्स केस में नाम आने पर वजीर आला सिंध मुस्ताफी हों, पीटीआई का मुतालबा। खुरम शेर जमान का सूबे में हुकूमत बनाने का दावा। फैसल वाउडा बोले बिलावल ओमनी ग्रुप के तर्जुमान बन गए। जरदारी ने अदलिया पर हमला किया। खोखर बरादरान के खिलाफ अराजी केस, कब्जा केस की समाअत। हाउसिंग स्कीम का नक्शा बदलने वाला रेवेन्यू ऑफिसर गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने बया लाहौर को भी तलब कर लिया। खोखर बरादरान को एंटी करप्शन केस सामने पेश होने का हुक्म। रेलवे एराजी पर कब्जों का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट और मातहत अदालतों को दो माह में जेरे तवा मुकदमात निपटाने का हुक्म। रेलवे की कानूनी टीम के सरबराह को हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तनाह का रिकॉर्ड कल तलब। पानी और सेहत के मामलात में इल्तवा बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गाज डैम की तामीर पर हकूमत से टाइम फ्रेम तलब कर लिया। पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक से मुतालिक 26 यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट तलब। 22 तालीमी बोर्ड्स को डिग्रियों की फौरी तस्दीक का हुक्म भी दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास आज होगा। बैठक में एफआईए और नैब के हुकाम भी शिरकत करेंगे। विन कमेटी कवायद जवाबित और तरीकाकार पर अरकान को ब्रीफिंग देगी। शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पीएसी तकरीरी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अपोजिशन लीडर पर करप्शन के इल्जामात हैं। दरख्वास्त गुजार की तकरीरी कालंदम करार देने की इस्तदा। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर सुप्रीम स्पीकर कौमी असेंबली और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम की सियालकोट एयरपोर्ट पर नई एयरलाइन चलाने की मंजूरी। मुआवन खसूसी वजीर आजम उस्मान डार और चेयरमैन सयाल एयरलाइन की इमरान खान से मुलाकात। ताजिर बरादरी का निजी एयरलाइन के आगाज में हुकूमती तआवुन पर शुक्रिया। हवेलिया में कचहरी के करीब फायरिंग से मुकामी लीगी रहनुमा जां भग। साबिक सिटी सदर नून लीग खुरम सलेमान को बाजार से घर जाते हुए निशाना बनाया गया। पुलिस का शहर की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। शहर कायद में टारगेट किलर्स फिर सरगरम। लाइंस एरिया के करीब फायरिंग, महाजर कौमी मूवमेंट का कारकुन जां भग। चनेसर गोट और गुलशन इकबाल में पुलिस मुकाबले, तीन मुलजिम गिरफ्तार। नॉर्थ कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लूट गया। मैदानी इलाकों में धुंध कातिल बनने लगी। कौमी शहराओं पर मोटरवेज पर हद निगाह सिफर। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। रिनाला खुर्द और सगिया पुल लाहौर पर मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसात में 6 से ज्यादा अफराद जां भाग, दर्जनों जख्मी हो गए। मुल्क भर में जाड़ा जौबन पर, बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू का पारा -13 रिकॉर्ड। कलात और कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी शदीद ठंड। शहरी इक्तदार का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। लाहौर में 2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी। शहरी इक्तदार और पंजाब के सीएनजी सार्फीन के लिए बुरी खबर। इस्लामाबाद और पंजाब में सीएनजी स्टेशन आज से 13 रोज के लिए बंद। 10 जनवरी तक गैस नहीं मिलेगी। कहीं जाना हो तो टैंकी पेट्रोल से भरवाना पड़ेगी। बेरहम शोलों से लाखों का नुकसान। बहावलपुर के मॉडल बाजार में आतिशजदगी। दर्जनों दुकानें खाकिस्तर। गुर्जावाला के लंडा बाजार में भी आग ने मुतअद्दिद दुकानें जला डाली। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों को बुझाया। जन्नत नजीर वादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज का पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन। एक कश्मीरी नौजवान शहीद। इलाके में कशीदगी। फोर्सेस से झड़पों में मुतअद्दिद जख्मी हुए। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.saanchinews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।